सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब एंड हेलो टू एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सिंह ब्लॉगर लॉजिस्ट। आज है 1st of July यानी कि कनाडा डे। सो कनाडा डे की सभी को बहुत बहुत बधाइयां, जो लोग भी यहां पर रह रहे हैं या फिर जो आने का प्लान कर रहे हैं उन सभी को। हालांकि ये कनाडा डे थोड़ा सा ठंडा है बिकॉज ऑफ द रीसेंट रेवोल्यूशंस अबाउट इंडिजिनस किड्स ग्रेव्स। पिछले कुछ टाइम से कुछ अनमार्क्ड ग्रेव्स मिल रहे हैं इंडिजिनस किड्स के। पहले कैमलूप्स में मिले थे 215 और अब 180 और अनमार्क्ड ऐसे ग्रेव्स मिले हैं, तो उसके करके यू नो प्रोविंशियल लेवल पे और स्टेट लेवल पे सेलिब्रेशंस तो नहीं हो रहे हैं, मतलब ऑफिशियल सेलिब्रेशंस नहीं हो रहे हैं। हालांकि लोग ज़रूर कहीं ना कहीं इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज है 1st of July, कनाडा डे। कनाडा डे की थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो इन 1867 ऑन 1st of July एज पर द इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, तीन ब्रिटिश कॉलोनीज मिलके एक कंट्री बने थे जिसको कनाडा कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशंस का ही दिन है। सो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ पियर पार्क। तो आपको एक नई जगह दिखाते हैं। पियर पार्क जा रहा हूँ, न्यू वेस्टमिंस्टर बहुत ही क्लोज है, मेरे यहाँ से जस्ट एक स्टेशन दूर है। तो वहाँ चलते हैं क्योंकि आपके साथ बहुत सारे नए ट्रक्स, तो आपके साथ बहुत सारे नए अपडेट्स भी यहाँ पर शेयर करने हैं। पिछले 10-15 दिन में बहुत सारे इमिग्रेशन रिलेटेड अपडेट्स आए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं। हाँ जी, तो मैं उतर चुका हूँ जी स्कॉट रोड स्टेशन। अपने यहाँ से मुझे बस पकड़नी होती है अपने बस स्टॉप से, और सिर्फ 3 स्टेशन दूर ये स्कॉट रोड का स्काई ट्रेन स्टेशन है, यानी कि मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ से अब मुझे स्काई ट्रेन पकड़नी है और जाना है कोलंबिया, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेशन फ्रॉम हियर। तो कोलंबिया से ही उतर के मुझे पियर पार्क जाना है। तो अभी ऊपर चलते हैं और फिर स्काई ट्रेन। स्टेशन और यहाँ से बाहर निकलते हैं। लो जी, आप आगे जी बार आगे जी कोलंबिया स्ट्रीट, और यहाँ से सिर्फ 4 मिनट के वॉक पे है वो पियर पार्क। तो फटाफट चलते हैं। ठीक है गाइस, लुक एट द व्यू एट द बैक। वो रहा पैटेलो ब्रिज, द फेमस पैटेलो ब्रिज, जो मैं कई बार आपको अपने वीडियोस में दिखा चुका हूँ। तो यहीं से नीचे उतर के जाना है टुवर्ड्स पियर पार्क। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो आई है हाल फिलहाल में रिलेटेड टू इमिग्रेशन, दैट इज़ कि कनेडियन गवर्नमेंट ने अब अपने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को ईज़ अप करना शुरू कर दिया है। दैट मीन्स अब जो है लोग आ पाएंगे यहाँ पर। और सबसे बड़ा जो अपडेट वो ये है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो फिर आपको क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, अब कोई भी होटल क्वारंटीन या फिर 14-day क्वारंटीन आपका नहीं आपको करना पड़ेगा इफ़ यू आर फुली वैक्सीनेटेड। और 8th day पे भी जब आपको अपना जो कोविड टेस्ट करवाना होता है वो भी आपको अब नहीं करवाना पड़ेगा यहाँ आने के बाद। हालांकि यहाँ आने से पहले जो 72 आवर्स प्रायर जो आपको एक कोविड टेस्ट करवाना होता है, दैट विल बी देयर। और ये किन किन के लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है उन सभी कैटेगरीज के लिए जो कि आने के लिए अलाउड थे नाउ, इंक्लूडिंग COPR होल्डर्स। COPR होल्डर्स जो कि 18th मार्च 2020 के बाद जिनको भी COPRs मिले थे वो अभी तक ट्रैवल नहीं कर सकते थे, लेकिन अब उनके लिए भी ट्रैवल करना जो है वो अलाउड होगा, इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वर्कर्स एंड अदर कैटेगरीज जो कि पहले से भी
अलाउड थे. सो अ वेरी बिग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू. अब हम वैक्सीन्स की बात कर रहे हैं तो ये भी पता कर लें कि कौन सी वैक्सीन्स कैनेडा में अप्रूव्ड मानी जाती हैं. तो ऑफकोर्स सबसे पहले फाइजर, मॉडर्ना, कोविशील्ड भी इसमें इंक्लूडेड है, और एस्ट्राजेनेका एंड जॉनसन्स एंड जॉनसन्स जेंसन जो कि एक और कोविड की वैक्सीन है, वो सब वैक्सीन्स जो हैं ये अप्रूव्ड लिस्ट में है. तो अगर आप में आपने इनमें से कोई भी वैक्सीन लगवाई है, चाहे कि कॉम्बिनेशन लगवाया हो या दोनों एक ही कैटेगरी की एक ही कंपनी की अगर आपने वैक्सीन्स लगवाई हो और आप उसे प्रूव कर सकते हैं विद अ सर्टिफिकेट, दैट मीन्स आप यहां पर आने के लिए एलिजिबल होंगे इफ़ यू आर फुली वैक्सीनेटेड. दूसरी अपडेट है जो कि अगेन एक एक्सपेक्टेड अपडेट है. इंडिया और पाकिस्तान जो कि ट्रैवल बैन जिनके साथ कनाडा ने लगाया था, वो ट्रैवल बैन एक बार फिर एक्सटेंड हो गया है 26 जून को, और इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 21 जुलाई तक. दैट मीन्स डायरेक्टली इंडिया और पाकिस्तान से अभी आप नहीं आ सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो. हालांकि लोग इनडायरेक्टली आ रहे हैं कुछ और कंट्रीज़ के थ्रू, हालांकि वो सजेस्टेड नहीं है. उसमें काफ़ी रिस्क होता है, काफ़ी पैसे लगते हैं, काफ़ी टाइम लगता है. सो कहीं ना कहीं ऐसा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम में ये रिस्ट्रिक्शंस भी अपलिफ्ट हो जाएंगी. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए है क्योंकि इंडिया से जितना भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है उसका 30% अकेला इंडिया से आता है. सो इंडिया इज़ अ वेरी बिग कॉन्ट्रीब्यूटर व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. और हम सभी को पता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, इनके इकोनॉमी के लिए, इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए सब. तो ज़्यादा देर तक ये इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं रखेंगे. एंड माय एनालिसिस सेज कि अगस्त तक ये ट्रैवल बैन जो है ये अपलिफ्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि सितंबर वी ऑल नो कि यहाँ पर नया सेशन शुरू होता है और मेजरली स्टूडेंट्स जो हैं वो सितंबर में ही कनाडा आते हैं. सो सितंबर से पहले इट्स वेरी लाइकली दैट कनाडा will uplift that this ban from India और सभी को travel करना allowed होगा. अगली अपडेट है, आज से ही 1st ऑफ जुलाई से यानी कि यहाँ पर रीओपनिंग का थर्ड फेज शुरू हो चुका है, जिसके तहत यहाँ पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है उसे अब ख़त्म कर दिया गया है कोविड के लिए. यानी कि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे पहले, उनमें से काफ़ी सारे जो है वो अब ख़त्म कर दिए जा चुके हैं, जिसमें इंक्लूड थे गैदरिंग्स वगैरह. तो अब गैदरिंग्स जो है वो अलाउड है. जैसे कि आप मेरे पीछे भी देख सकते होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं आज का दिन. और गैदरिंग्स अलाउड है. अगर आप इंडोर गैदरिंग भी कर रहे हैं तो अप टू 50% ऑफ दी जो कैपेसिटी है वहाँ पर वो अलाउड है. मास्क सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ पर मैंडेटरी नहीं रहे हैं. जी हाँ, अब मास्क मैंडेटरी से हटकर यहाँ पर रिकमेंडेड स्टेट में कर दिए गए हैं, वो भी तब जब आप इंडोर्स हों, जहाँ पर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं रख सकते. तो उसके लिए मास्क सिर्फ पहनना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है. और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किसी ने भी मास्क नहीं पहना इंक्लूडिंग में. गैदरिंग्स अलाउड हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स अलाउड हैं. आप जितने भी रिक्रिएशनल ट्रैवल हो रहा था पहले विद इन द प्रोविंसेस, वो भी अब अलाउड है, जो कि पहले बंद था. तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो है उसे ख़त्म कर दिया गया है कोविड के लिए, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ही फास्ट चल रही है गाइस. 80% से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर फर्स्ट डोज लग चुका है, और मोर देन 24% लोगों को यहाँ पर सेकेंड डोज भी लग चुके हैं. यानी कि मोर देन 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फुली वैक्सीनेटेड. तो इसी वजह से यहाँ पर आज से थर्ड फेज शुरू हो चुका है. फोर्थ फेज सितंबर में ये पूरा हो जाएगा, सितंबर 4 तक आई गेस. और इसीलिए मैंने बोला कि अगस्त तक शायद ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, जो ट्रैवल बैन है वो इंडिया से वो ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी हद तक सिचुएशन तब तक बेटर हो जाएगी, और कैनेडा में तो ऑफकोर्स हो ही जाएगा.
नेक्स्ट मेजर अपडेट है बायोमेट्रिक्स के लिए रिगार्डिंग, जो कि बहुत देर से इंडियन स्टूडेंट्स खासकर जिसका वेट कर रहे थे। तो बायोमेट्रिक्स फाइनली दोबारा से स्टार्ट कर दिए गए हैं VFS के द्वारा, और जिन जिन को पहले से ही बायोमेट्रिक्स इंस्ट्रक्शन लेटर आया हुआ था, BIL आया हुआ था, दोज पीपल कैन एक्चुअली बुक द अपॉइंटमेंट। तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यू कैन फिल अप द वेब फॉर्म और उसके थ्रू यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट फॉर द बायोमेट्रिक्स। एंड ज़्यादा वेब फॉर्म्स फिल मत कीजिएगा, यू नो जस्ट फिल वन फॉर्म एंड देन वेट फॉर द रिवर्ट। 15 से 20 दिन लग रहे हैं यूजुअली उन्हें रिवर्ट करने में, बट देन वेट फॉर द रिवर्ट, और उसके बाद जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाए तो आप अपना जाके बायोमेट्रिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेजर अपडेट है वर्क परमिट रूल्स को लेकर। रिसेंटली IRCC ने अपने वर्क परमिट रूल्स में भी चेंज किया है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। पहले क्या था, जो जिन्होंने भी 2020 मार्च 2020 के बाद जिन्होंने भी अपने स्टडीज़ शुरू किए थे और ऑनलाइन मोड में वो अपने होम कंट्री से अपने स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे थे, उनके लिए था कि अप टू 50% तक स्टडी आप अपने होम कंट्री से कर सकते हैं। लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31st दिसंबर 2021 तक कर दिया है, यानी कि जो भी लोग अपनी स्टडीज़ ऑनलाइन दिसंबर 2021 तक करेंगे, जितना भी पीरियड अपना कंप्लीट करेंगे तब तक, वो सारा पीरियड आपके PGWP के लिए एलिजिबल होगा, उसमें इंक्लूड किया जाएगा। सो वो लोग भी जिन्होंने यू नो दो यू नो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर कॉलेजेस से दो अलग अलग प्रोग्राम्स किए हैं, जैसे कि कई लोग करते हैं कि एक साल का प्रोग्राम एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ले लेते हैं और उसके बाद दूसरे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से दूसरा ईयर का प्रोग्राम, तो वो सब लोग भी इसमें एलिजिबल होंगे। तो जितना भी आप ड्यूरेशन अपना कंप्लीट कर रहे हैं December 31st, 2021 तक, वो सारा का सारा आपके पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में इंक्लूड किया जाएगा, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। सो दैट्स अगेन अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट। इस सब के लिए शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका DLI फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स शुड बी अप्रूव्ड, यानी कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है, वेदर इट्स योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज, जिस भी कोर्स को आप कर रहे हैं उस कोर्स के लिए इट शुड बी एन अप्रूव्ड DLI, यानी कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। और कुछ केसेस में ये भी सामने आया था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्सेज को पार्ट टाइम कन्वर्ट कर दिया था ड्यू टू द यू नो अवेलेबिलिटी ऑफ द बैच, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द बैच, या फिर कुछ और रिसोर्सेज की वजह से अपने यू नो कोर्सेज को, अपने टर्म को उन्होंने पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये सब चीज़ें भी इंक्लूड होंगी आपके यू नो PGWP में, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं थी, तो IRCC भी इस चीज़ को समझता है और ये वाला ड्यूरेशन भी आपका आपके PGWP में इंक्लूड किया जाएगा। सो गाइस, ये है सामने पैटलो ब्रिज, जो कि बना हुआ है इस फ्रेजर रिवर के ऊपर, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया की सबसे बड़ी रिवर है। ये पैटल ब्रिज के सिर्फ उस साइड ही है, वो स्कॉट रोड स्टेशन जहाँ से मैं आता हूँ सरी से, सरी का वो स्कॉट रोड स्टेशन सिर्फ एक स्टेशन क्रॉस करके, पैटलो ब्रिज क्रॉस करके यहाँ पे है कोलंबिया का स्टेशन, और कोलंबिया के स्टेशन से बिल्कुल ये 3-4 मिनट पे ही है ये प्योर पार्क न्यू वेस्टमिंस्टर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के व्लॉग में इतना ही। बहुत सारे रीसेंट जो भी यू नो अपडेट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश किया, आगे भी ऐसी अपडेट्स हमेशा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। सो उसके लिए जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो राइट नाउ जस्ट गो यू नो क्लिक ऑन दी सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन लाइक बटन, शेयर कीजिए इस व्लॉग को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके लिए भी ये एक यू नो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हो सकते हैं, तो उन सब के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस तो व्यू करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ये मेरे लिए भी मोटिवेशन फैक्टर होगा, मैं भी और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। तो टिल देन आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा आने वाले टाइम में। सो टिल देन टेक केयर, राब राखा।